लेकिन अब एके मिश्रा ने उसको बड़ा शास्त्रीय रूप दे दिया, तो अब उन्हें एक सवाल उनसे पूछ लूं। मिश्रा जी मुझे पहली बात, क्योंकि ये जब जब बनारस की बात जब हम कर रहे हैं, तो अभी एके मिश्रा जी ने कहा है, निश्चित तौर पर मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही है, जो एक संतुलन बनाने की कोशिश है। कोई भी बीजेपी का नेता ये बोलने को तैयार नहीं होगा कि हम अपने दम पे चुनाव जीते हैं क्योंकि हमारा भोकाल हमारे एरिया में है। तो ये संगठन का जो है नेतृत्व है कि बहुत सारे लोग जिनको कोई जानता भी नहीं था वो चुनाव लड़े और जीत गए और मंत्री भी बन गए यहाँ पे। तो सारी की सारी जो वर्जनाएं, जो मिथ्या, जो फैक्ट थे या जो ट्रेडिशनल पैरामीटर थे, वो टूट रहे हैं। तो वो इसलिए ठीक बात कही केंद्रीय एके मिश्रा ने। अब रही बात नेक्स्ट कौन है उसकी जगह, देखिए साहब एक चीज बता दे, मैंने आपको बताया कि बीजेपी में संगठन या पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि यहाँ अब नेता बड़े कमजोर हो गए। फर्क एक ही आया है कि पहले नेता पार्टी में बड़े मजबूत होते थे, नेताओं से पार्टी बनती थी, अब पार्टी से नेता बन रहे हैं। मिश्रा जी ये बड़ी बात है, लोगों के नोटिस में नहीं आई, लेकिन ये सबसे बड़ी घटना है शपथ ग्रहण की। मिश्रा जी पहले राजनीतिक लोगों के पास चलूं, उससे पहले एक टिप्पणी आपसे लूं संक्षेप में, आरंभिक टिप्पणी के तौर पर आप इस मंत्रिमंडल गठन को कैसे देखते हैं, जो आए वो और जो गए वो, दोनों को सामने रख के? देखिए एक बार आज का दिन जी भाजपा को जैसे बोला जाता है कि ये प्रयोग करने में बड़े माहिर है, ये चुनौतियों को देखते हुए और इसके साथ साथ ये आंतरिक रूप से आकलन भी करते हैं। पहले जो मंत्री थे उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, उनकी कमियां क्या हो सकती है, और ये फाइंड आउट करते हैं कि ये बेस्ट सुटेबल कहाँ पे हो सकते हैं। जो लोग अच्छे सुटेबल नहीं होते हैं उनको हटा के संगठन में या उनके योग्य जो जॉब हो सकती है वहां पे ये भेजते रहते हैं। तो दो चीजों का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है, रखा ये गया है कि जो 2024 की और भविष्य की जो चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश के लिए, राजनीतिक और गैर राजनीतिक, उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसलिए बेहतर सुटेबल लोगों को यहाँ पे रखा जाए जो शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद से ही परफॉर्म करना शुरू कर दें। जो बुलडोजर के लिए बनेंगे उनका बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, जो जिसके लिए होंगे वो शुरू हो जाएगा। तो पहला ये है कि क्विक रिएक्शन के साथ जो लोग परफॉर्म करना शुरू कर दें उन लोगों को तहरीज यहाँ पे दी गई है। दूसरी चीज राजनीतिक समीकरण को साधना, क्योंकि एक साल डेढ़ साल के चुनावी मूड में तो ये अभी आ जाएंगे, दो चार महीने के बाद से ही सारी पार्टियां 2024 के इलेक्शन के चुनावी मूड में आ जाएंगी, उसके लिए भी सरकार में किसकी उपयोगिता है, सरकार में उपयोगिता ऐसे होती है, सरकार में किसकी उपयोगिता और संगठन में किसकी उपयोगिता, उसके हिसाब से पत्ते बिछाना शुरू किया है बीजेपी ने इस इलाके में, वैश्य वर्ग में, लेकिन नहीं परफॉर्म नहीं किया तो जाइए। मिश्रा जी देखिए अमिताभ जी, इस अवस्था को पाने के लिए किसी भी पार्टी को या संगठन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जरा इसी परिस्थिति का विपरीत करके देखिए, पहले ये होता था कि आप जरा सा हटाने की सोचिए धमकियां मिलनी शुरू हो जाती थी, सरकार गिरा देंगे, और गिराई भी गई है सरकार, किसी एक को हटाया, कुछ को हटाया, एक धड़ा पूरा अलग हो गया, सरकार गिर गई। मैं ये बोलता हूँ कि इस विशेष योग्यता या इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो संगठन है, संगठन ने इतनी मेहनत की है और अपने पैरों पे इतनी खड़ी हो गई है कि आज संगठन के पास किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं है। मैन पावर भी एक रिसोर्स होता है, यानी नेतागण की परफॉर्म करने वालों की कमी नहीं होती है। आप नहीं करेंगे तो पार्टी के ऊपर या संगठन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा कि आप छोड़ के चले जाएंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा। इतनी मजबूत अगर कोई पार्टी होती है तब उसको कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाता है कि हमें नहीं बनाया तो हम ये कर देंगे, हमें क्यों नहीं बनाओगे, हम देखते हैं हमें कैसे नहीं बनाओगे। इन समस्याओं से पार्टी ने अपने आप को उबार लिया है। ये ठीक बात है मिश्रा जी। मेहंदी बहुत ही रोचक प्रश्न है जी। अब देखिए क्या होती है, जो संगठन के अंदर में इतना बड़ा संगठन है और संगठन की मजबूती के बारे में एके मिश्रा जी ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। खैर पहली बात, जो कि ये जब बनारस की बात जब हम कर रहे हैं, तो अभी एके मिश्रा जी ने कहा है, निश्चित तौर पर मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही है, जो एक संतुलन बनाने की कोशिश है। पहली बात, जो कि ये जब बनारस की बात जब हम कर रहे हैं, तो अभी एके मिश्रा जी ने कहा है, निश्चित तौर पर मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही है, जो एक संतुलन बनाने की कोशिश है। मिश्रा जी ये बड़ी बात है, लोगों के नोटिस में नहीं आई, लेकिन ये सबसे बड़ी घटना है शपथ ग्रहण की।
इससे बड़ी कोई घटना नहीं। अमिताभ जी, ये जो चुनाव था हमेशा से बात होती रही, कई मिथक, कई पुराने एस्टेब्लिश पैरामीटर को तोड़ा गया है जी। ठीक है, देखिए अब हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे हैं, बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ, इससे बड़ा रिकॉर्ड वो बनाते थे, एक परिवार से 100 पदाधिकारी हो जाते थे सरकार में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। जी जी जी, ये जो घटना बता रही है मैं आपको बता रहा हूँ है क्या, जो पुराने मिथक या पैरामीटर होते थे संतुलन के, वो ये होते थे भाई फलाने एरिया में हमारे फलाने जाति या धर्म के वोटर हैं तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव तो होना चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, उस एरिया से ये पैरामीटर है तो वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। पहले सरकारें या मंत्री वगैरह इन चीजों पे बनती थी, कौन कितने वोट। एके मिश्रा, ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए, कितने भी मिथक बदल जाए एके मिश्रा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जब तक संसदीय लोकतंत्र जिंदा रहेगा, आदमी वोट डालेगी जनता, तब तक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सबसे बड़ा कारण रहेगा हर पार्टी के लिए, जान लीजिए। ठीक, नहीं नहीं अमिताभ जी, ये मिथक भी बदल गया, अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से होकर के यहाँ सेक्टर वाला प्रतिनिधित्व हो गया है, यहाँ मुद्दों की लड़ाई रही है ना कि इस चीज की कि फलाने नेता के आने से। अच्छा एक बात बताओ, एक बार चलो अब आप बहने बहस पे, इतना इस विषय में इतनी बहस नहीं करना चाहता, एक बार रुके। लेकिन अब एके मिश्रा ने उसको बड़ा शास्त्रीय रूप दे दिया, तो बूंदी एक सवाल उनसे पूछ लू। मिश्रा जी मुझे बता, लेकिन अब एके मिश्रा ने उसको बड़ा शास्त्रीय रूप दे दिया, तो बूंदी एक सवाल उनसे पूछ लू। मिश्रा जी मुझे बता दो, इसमें कौन सा मिथक तोड़ू अद्भुत दर्शन द्वैत अद्वैत छुपा है, एक इलाके चार मंत्री, इनमें चारों हमको बता दो, इनने आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? आप लोग वहां क्यों लिया तो जहां मैं बहस नहीं लाना चाहता। कई बार आप लोग भी अतिरेक कर जाते हो, थोड़ा ज्यादा झंडा बुलंद कर देते हो। इसमें कोई आजादी की लड़ाई के लोग थे, बोले इनको कैसे छोड़े, ये तो गणेश शिंदे विद्यार्थी संघ के थे, ऐसे तो नहीं है ना कोई। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ, द्वैत और अद्वैत में संतुलन साधने के लिए ही तो ये किया गया है। ये भाषा की, ये तो भाषा के शब्द है, क्योंकि कहीं राजनीति ऐसे नहीं चलती, शब्दावली से राजनीति चलती होती तो सारे विद्वान लोग बड़े नेता होते, विद्वान इस देश में बड़े नेता कभी नहीं हुए, सामान्य लोग बड़े नेता हुए, ये जन-जन जान लीजिए। खैर, मुझे बहुत सारे मसलों पर चर्चा करनी महाराज, भाजपा के दर्शन पर फिर कभी रखेंगे, दीनदयाल जी के अंत्योदय पर कार्यक्रम, तब उस पर चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी तो खांटी राजनीति की बात करने आया हूँ, खांटी, क्योंकि हमको मालूम है कि हम 35 साल यही काम किए मिश्रा जी, कि सरकार कैसे बनती है और कैबिनेट की लिस्ट कैसे बनती है ना, कितनी बार काटी जाती है, है? बोले नहीं भाई, इनको भी समझना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा, होता है। एक 20 सेकंड का ब्रेक ले ले, फिर आते हैं इस पे। जैसे एके मिश्रा जी, तब तो इसका मतलब है सारे मीडिया हाउस बंद हो जाएं अगर भाजपा के पास हर सवाल का यही उत्तर है, और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, क्योंकि बिहार ना सही, बराते हमने इतनी कर ली, आदमी शादी तो अपनी एक ही बार करता है, बारात तो बहुत बार होती है, तो हमको मालूम है अध्यक्ष कैसे बनता, को मंत्री कैसे बनता है, एमएलए टिकट कैसे मिलती, एमएलसी कैसे मिलती, सांसद कैसे बनता, कोई पार्टी हो। अब बीजेपी के मित्र ने कह दिया कि पन्ना प्रमुख तक बन सकता है, और तो ये तो बहुत बड़ी लकीर खींच दी है, उसके आगे क्या कहें। एके मिश्रा जी, जी अगर स्वतंत्र देव सिंह के बारे में बात की जाए जी, इसको में जो है कोई प्रेज नहीं होना चाहिए, बीजेपी वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक जो समन्वय होता है ना जी, जैसे कोई कार तो सारे मोटर पार्ट एक ही लय में एक ही स्पीड से अगर काम करेंगे तभी वो संतुलन में रहता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं, कम से कम मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि जिस हिसाब से सेंट्रल या जो जरूरत थी उस से डिलीवरी को अगर देखा हो तो स्वतंत्र देव सिंह जी नहीं आ पाए। देखिए संगठन में अगर आप एक चेहरा है तो आपका काम 2400 घंटे का होता है, मंत्रिमंडल में होने पे कुछ आपको घंटे दो घंटे का आराम मिल जाए या लिमिटेड दायरा होता है, क्योंकि संगठन में पब्लिक से डीलिंग होती है, विपक्षियों से डीलिंग होती है, शायद वो उतने योग्य वहां पे उनको नहीं समझा जा रहा है। सारे चुनावों में मैंने उनकी कैंपेनिंग देखी, उनकी जगह दूसरे दूसरे लोग आकर के वहां पे कर रहे हैं कैंपेनिंग, जो काम उनको करना चाहिए था 5 सालों में, तो पार्टी को या इनके नीति नियंताओं को ये लगा होगा कि इनकी जगह शायद यहां से हट करके यहाँ ज्यादा बेहतर है, इनके व्यक्तित्व के हिसाब से ये ज्यादा सुटेबल होगा, तो उन्होंने उनको वहां पे किया। अब रही बात नेक्स्ट कौन है उसकी जगह, देखिए साहब एक चीज बता दे, मैंने आपको बताया कि बीजेपी में संगठन या पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि यहाँ अब नेता बड़े कमजोर हो गए, फर्क एक ही आया है
कि पहले नेता पार्टी में बड़े मजबूत होते थे, नेताओं से पार्टी बनती थी, अब पार्टी से नेता बन रहे हैं। कोई भी बीजेपी का नेता ये बोलने को तैयार नहीं होगा कि हम अपने दम पे चुनाव जीते हैं क्योंकि हमारा भोकाल हमारे एरिया में है। तो ये संगठन का जो है नेतृत्व है कि बहुत सारे लोग जिनको कोई जानता भी नहीं था वो चुनाव लड़े और जीत गए और मंत्री भी बन गए यहाँ पे। तो सारी की सारी जो वर्जनाएं, जो मिथ्या, जो फैक्ट थे या जो ट्रेडिशनल पैरामीटर थे वो टूट रहे हैं। तो इसलिए ठीक बात केंद्रीय नेतृत्व ने